छत्तीसगढ़ से जुड़े इन पांच रहस्यों को जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। यह है दोस्तों ज्ञान की बातें YouTube चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ भारत के सबसे नए राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में कई ऐसे राज आज भी छुपे हैं जिसके बारे में शायद ही बाहरी दुनिया या भारत के अन्य राज्यों के लोग भी जानते होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े ऐसे ही पांच राज जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहला, हर साल बढ़ती है इस शिवलिंग की लंबाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मरौदा गांव के घने जंगलों में एक प्राकृतिक शिवलिंग है जो भूतेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है और इसके बारे में मान्यता यह है कि हर साल इसकी लंबाई 5 से 6 इंच बढ़ जाती है। यह जमीन से लगभग 18 फीट ऊंचा और 20 फीट गोलाकार है। लोगों के मुताबिक सैकड़ों साल पहले यहाँ एक शोभा सिंह नाम का एक आदमी रहता था। एक शाम उसे अपने खेत से कुछ ही दूरी पर शिवलिंग की आकृति के एक टीले से सांड और शेर जैसी जानवरों की आवाज़ सुनाई दी। तब शोभा सिंह ने यह बात गांव वालों को बताई तो उन्होंने इस जानवर की खोज करने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक कोई भी जानवर नहीं मिला। तब इस टीले के प्रति लोगों की आस्था बढ़ने लगी। वे इसकी पूजा शिवलिंग के रूप में करने लगे। लोगों के मुताबिक सबसे पहले इसकी ऊंचाई कम थी, लेकिन वक्त के साथ इसकी ऊंचाई बढ़ती गई। दूसरा नंबर, कुटुमसर गुफा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में विश्व प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा स्थित है। जमीन की सतह से 55 फीट नीचे 330 मीटर तक की लंबाई तक फैली गुफाओं में हजारों साल पहले आदिमानव रहा करते थे। अंदर कई हिस्सों में पानी है जिसमें रहस्यमय अंधी मछली पाई जाती है। रहस्यमय गुफा और मछलियों को देखने यहाँ दुनिया भर से टूरिज्म और रिसर्च आते हैं। इन रहस्यमय गुफाओं पर भूगोलशास्त्री लगातार स्टडी कर रहे हैं। गौरतलब है कि कुटुमसर गुफाओं में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जिसके कारण यहां आने वाले व्यक्ति पूरा तरह अंधा महसूस करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसमें लाखों साल तक रहने वाले मछलियों की आँखों का इस्तेमाल खत्म हो गया है। उनकी आंखों पर एक पतली सी झिल्ली चढ़ चुकी है जिससे तरह वह पूरी तरह अंधी हो गई है। तीसरा नंबर, मैनपाट की स्पंजी जमीन। मैनपाट अपनी सुंदरता और ठंडे मौसम के कारण छत्तीसगढ़ के तिब्बत के नाम से मशहूर है। साल 1997 में यहाँ भूकंप आया था जिसके बाद जमीन के अंदर के दबाव और खाली जगहों पर पानी भर गया। इसी के चलते यहाँ की जमीन चलने पर कांपने का अनुभव होने लगा, इसलिए यहाँ जमीन पर अब स्पंज की तरह महसूस होती है। चौथा नंबर, ठिठिनी पत्थर। छत्तीसगढ़ के दरिमा में मौजूद ठिठिनी पत्थर को मंगल ग्रह से गिरा हुआ उल्का पिंड माना जाता है। उल्का पिंड जब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता था तो उसमें आग लग जाती थी, जिसकी उसे संरचना में काफ़ी बदलाव आ जाते थे। इसी के चलते ठिठिनी पत्थर को बजाने से 6 अलग अलग तरह की आवाज़ आती है, इसलिए इसे ठिठिनी पत्थर कहा जाता है। पांचवा नंबर, फरसा बहार का नागलोग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में मौजूद फरसा बहार गांव को नागलोग के नाम से जाना जाता है। इस गांव में से 40 प्रकार के सांप पाए जाते हैं और दुनिया की सबसे 6 प्रजातियों में से 4 प्रजातियां यहां मिलती है। बारिश के दिनों में इनमें रहने वाले जगहों में पानी भर जाता है तो ये सब सूखी जगहों में आ जाते हैं। यहां स्नेक
स्नेक पार्क बनाने की प्लानिंग भी है, जिसमें एंटी वेगम के नाम से सांपों का जहर भी निकाला जाएगा। तो ये थी दोस्तों छत्तीसगढ़ के कुछ रहस्य भरी जगह। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।